102 दिन धरी यह राज्यर कौनसी उपांत अंचल नुहे। आम राज्यर कटक रे श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज एससीबी कॉलेज जोटा कि स्वास्थ्य सेवार आम राज्यर मुखशाला जहाँ को नहीं समग्र राज्य गर्व करे एससीबी को नहीं से एससीबी रे दुई दिन धरी करेन्ट नाही इलेक्ट्रिसिटी नाही। आश्चर्य जे उपांत अंचल रे आमे देखुथुलु 25-30 वर्ष तले एबे भी बेले बेले देखुथुलु केते बेले किए पेट्रोमाक्स लाइट रे माध्यम रे एटा को विश्वस्तरीय करचोती 5G माध्यम रो जो से कांसेप्ट रो मुख्य कथा जोटा कि आमे विचार को आनीचु मुख्य कथा जोटा आमे विचार को आनीचु जे 3 दिन तले वर्तमान एससीबी कॉलेज रे नाही करंट एवं से करंट द्वारा कौथरे मेडिसिन विभाग निदान विभाग जोठी आमर शब रहुची किंबा पोस्टमार्टम सेंटर शब रहीकि पचिगलाणी एही भली अवस्था होइछि दुई दिन धरिकि गत काली 6 घंटा नथिला एवं आउरी आश्चर्य गत काली रातिरे पानी भी नहीं संपूर्ण एससीबी मेडिकल कॉलेज रे जो माने रहउछन्ती सेठी पानी भी नहीं पीवा पानी जो वाटर यूज करती लैट्रिन कि बाथरूम से सब मध्य पीवा पानी भी नहीं। ताले वर्तमान राज्यर व्यवस्था कौटी अच्छे यदि आमर मुखशाला एससीबी रो अवस्था या ताले राज्यर अवस्था कौन थी एभली अवस्था हो ये जो कथा आम देखुं एससीबी ये गोटे सिम्टम्स ये सतर्क कराई दे एससीबी निजे ओडिशावासी को जाग्रत करने एससीबी आज सतर्क कराई दे लोके जाग्रत होबा उचित जे यदि एससीबी मेडिकल कॉलेज रो अवस्था या अछि ताले समग्र राज्यर स्वास्थ्य व्यवस्था रो अवस्था कोन थिबो सेटा एससीबी निजे लोकन को जाग्रत करउछि एवं लोके जाग्रत होबा उचित जे कोन राज्यर अवस्था अछि एवं शासन व्यवस्था कहाँ हाथ रे अछि। पूर्वरु आमे कहि सारिछु जे स्वास्थ्य व्यवस्था केउ भली अछि नवदास जते बेले तांको गुड़ी करा जाइतिले आमे झारसुगुडारु जानिथिले स्वास्थ्य व्यवस्था केउटी अछि सेठी ना स्ट्रेचर थिला ना ब्लड थिला ना ऑक्सीजन थिला ठीक सही भली भाबे तांको देहांत परे आउ जणे हिचंती स्वास्थ्य मंत्री एवं बिजुली विभाग रो मंत्री अतीतरे बिजुली विभ्राट जते बेले होतला से कहुथिले पावर कट नो पावर ट्रिप से सब बेले पई मना करूथिले एबे शक्ति मंत्री कोन कहिबे। पूर्वरु आमे कहिछु भित्तिभूमि विकास रे 18,000 कोटी टंकारु ऑलरेडी 10,000 कोटी रु ऊर्ध टंका आत्मसात करथिले जो शक्ति मंत्री सी वर्तमान जवाब रखिबा उचित शक्ति मंत्री कौन पाए एससीबी मेडिकल कॉलेज रे 2 दिन हला करंट नै ता सहित स्वास्थ्य मंत्री मध्य ता अनुरूप भावे दायी कौन पाए एससीबी के पानी नै एवं इलेक्ट्रिसिटी नै एथि पाए नैतिकता दृष्टिरु ये दुई जन जड़े हूँ स्वास्थ्य मंत्री आउ जड़े हूँ शक्ति मंत्री सीए मंत्रित्व परित्याग करदेवा उचित सी रहा उचित नुहे जे स्वास्थ्य मंत्री हिसाब से श्री निरंजन पूजारी एवं शक्ति मंत्री उभय से मानकर नैतिकता दायित्व निस्तफा तुरंत दिंतु जे एभली काम कर राज्यर मुखशाला जोटा कि एससीबी मेडिकल कॉलेज रो अवस्था आदि यही अवस्था अच्छे तेल राज्यर अवस्था कौन थी एथर स्पष्ट अनु केवल दायित्व आम तो दाबी करूँ ये दु जन सोमट इस्तफा दे दिं कि यार मुख्य समस्याटा कौटी आर चेर कौटी आर चेर यही जेब अण ओडिया अफिसर कब्जा रे राज्यर शासन व्यवस्था अच्छी मंत्री विधायक माने अफिसर पियन किराणी गुमास्ता चेयर टेबुल टेंट लगे व्यवस्था अच्छा सचिव भाषण दौंती बसिक शुणुंट आज ये अवस्था है मुख्यमंत्री निदा विष्णु मुख्यमंत्री एसब दायित्व नवार दायित्व केबे नेबे सेतिपई आमे दाबी करछु बरं बिजु जनता दल पाखरे दाबी रखुछु बिजु जनता दल या टे निरीक्ष देखु बिजु जनता दल निजे प्रस्ताव दौ जे राज्यर यह अवस्था है दायी किए आम कहू राज्यर यह अवस्थापी शासन व्यवस्था आम जहाँ दायित्व देलु स्वयं नवीन बाबू दायी
ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉ। ନବୀନ ବାବୁ ଉଭୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ପଳାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯାହାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସେଠି ଯଦି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ? ଏଥିପାଇଁ ଏ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଏସ୍ସିବିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏସ୍ସିବି ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ଗୋଟିଏ ସତର୍କ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ଏ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରହିବନି, ପାଣି ରହିବନି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାଲିବେ କେମିତି? ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପଦରେ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଚିବ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଟି କବାଟ ପକାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ନୈତିକତା କିଏ ନେବ? ନୀତି ନୈତିକତାର ପାଠ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଏ ଦୋଷ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ? ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷର ମୁଣ୍ଡ ରଜା ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ, ତେଣୁ ରଜା ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଆଜି ଏସ୍ସିବି ଆଖିରେ ଲୁହ, ଏସ୍ସିବି ଆଖିରେ ଲୁହ ମୁଁ କହିବି, ସିଏ ବି ନିଜେ ଆକୁ ସହିପାରୁନି, ସ୍ୱୟଂ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସହିପାରୁନି, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ସେଇଭଳି ଏସ୍ସିବିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଏସ୍ସିବି ବି ଭଗବାନ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ ସିଏ ଏସ୍ସିବି ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏସ୍ସିବି ପ୍ରତି ଏ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛୁ।